फिर से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने दिलाया एम एस धोनी की याद और लगा दिया दोनों बल्लेबाज ने शतक। दोनों बल्लेबाज ने बड़ी शतक लगाने के बाद मुकाबला को एक तरफा जिता चुके। ऐसे में भैया क्या कुछ है परी खबर की जानकारी। ऐसे में विराट कोहली कौन से बड़ी रिकॉर्ड को तोड़ चुके और कितना रन ठोक चुके हैं श्रेयस अय्यर और विराट कोहली, सब कुछ बताएंगे आज की इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है आज का ये बड़ी धमाकेदार मुकाबला कौन सी टीम जीतेंगे, भारत और या न्यूजीलैंड? क्या 2019 की जैसा न्यूजीलैंड ये मुकाबला जीत जाएंगे, या तो दोस्तों फिर से भारत में अपने झंडे को लहराएंगे और वर्ल्ड कप 2023 की फाइनल की टिकट अपनाएंगे? आप लोग को नीचे कमेंट कर जरूर बताएगा। दोस्तों आज किसी मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के अंदर बेहद शानदार शुरुआत हुआ। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आज किसी मुकाबले की टॉस के कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारत ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने के लिए निर्णय की तो न्यूजीलैंड गेंदबाजी करने के लिए उतर गई वानखेड़े के इस खास मैदान पर, जिसमें भारत टीम की बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल चुका है। इसमें भारत टीम ने अभी तक 397 रन ठोक चुके हैं, जिसमें 4 विकेट खेकर आप सभी को बता दिया जाए 4 विकेट के नुकसान पर भारत टीम जाकर पहुंच चुकी है 397। ऐसे में दोस्तों न्यूजीलैंड अभी चेस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जब पारी की शुरुआत करनी उतरी रोहित शर्मा शुभमन गिल की काफी शानदार धुआंधार बल्लेबाजी आई। रोहित शर्मा ने 47 रन की एक लंबी पारी खेल चुके थे, लेकिन टीम साउथ ही आई और रोहित शर्मा का विकेट लेके चला गए। ऐसे में शुभमन गिल ने दूसरे साइड पर ओपनिंग बल्लेबाजी में 80 रन की नॉट आउट पारी खेलकर पावरप्लेट लट गए। ऐसे में बता दिया जाए आप सभी को 80 रन की नाबाज पारी खेलकर शुभमन गिल काफी शानदार दिल जीतने के बाद नंबर 3 के ऊपर पेश होती है विराट कोहली की, जिसमें काफी शानदार सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुके हैं और 117 रन की एक लंबी पारी भी खेलकर जीता दिया मुकाबला को एक तरफा। ऐसे में श्रेयस अय्यर उसके बाद एंट्री होती श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर ने 105 रन की एक लंबी विशालकाय स्कोर को अपनाने के लिए 105 रन की एक लंबी पारी खेल बैठे। ऐसे में दोस्तों विराट कोहली श्रेयस अय्यर ने काफी शानदार धुआंधार शतकीय पारी खेले, तो उसके बाद वापसी होता है विकेट कीपर बल्लेबाजी केएल राहुल की, जिसमें 39 रन की एक नॉट आउट पारी एक लंबी पारी खेलकर इस मुकाबले को एक तरफा ये सभी बल्लेबाज जिताने के लिए सक्षम कर चुके। ऐसे में सभी बात उठता है अभी गेंदबाज का, गेंदबाज अगर छाएंगे तो आज किसी मुकाबला भारत टीम जीत पाएंगे? ऐसे में आप लोग को नीचे कमेंट कर जरूर बताएगा। आज किसी वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।